हेलो गाइस, तो चलिए आज एक और नई सी डिश बनाते हैं जो कि साबूदाने की खीर है। मीठी डिश बनाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं तो मीठा मीठा खाना सबको पसंद आता है, तो आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच के खाने वाला साबूदाना लिया था और उसको भिगा दिया 1-2 घंटे के लिए। और देखिए, साबूदाने का पानी मैंने कुछ भी ड्रेन नहीं किया, बस साबूदाना जितना था उससे हल्का सा ऊपर तक पानी मैंने रखा था और सारा सोक कर लिया और ये डबल हो गया है। और ऐसे ही आपको भी भिगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना। अगर रखेंगे तो उसे थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि साबूदाना जो है वो भीग चुका है, फूल चुका है, तो उसका एक्सेस वाटर जो है वो आप ड्रेन कर दीजिएगा। और अभी हमने जो है वो शुगर ली है, शुगर हमने यहाँ पर ली है 4 चम्मच, क्योंकि हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे जिससे हमारी खीर जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने खाने वाले 2 चम्मच जो है वो मिल्क पाउडर लिया। अभी इसे पानी डाल के डाइल्यूट करेंगे। और यहाँ पर हमने इलायची पाउडर लिया है, केसर लिया है और यहाँ पे मेरा फेवरेट केवड़ा एसेंस। तो यहाँ पर हमने जो है पहले से 1 किलो मिल्क जो था वो बॉयल था, अभी उसको लिया है विद मलाई। तो यहाँ पर हमने इसको पैन में डाल दिया है और यहाँ पर जो है अब ये बॉयल हो रहा है। तो अभी ये बॉयल हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और जो मलाई है वो पिघल जाएगी। तो इसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मिल्क जो है वो हमें ऐसे हिलाते रहना है, अदरवाइज़ ये पैन में नीचे लग सकता है। और जब भी आप मिल्क डालें पैन में या किसी भी बर्तन में खीर बनाने के लिए, या वैसे भी अगर आप बॉयल करते हैं, तो पहले पैन को या तो पानी डाल के थोड़ा सा पानी डाल लीजिए उसे, और फिर मिल्क डालिए, तो उससे नीचे नहीं लगता है। तो ऐसे ही मैंने भी किया था। इसमें पैन में पहले थोड़ा सा वाटर, 1-2 चम्मच वाटर डाला मैंने, उसके बाद जो है वो मिल्क विद मलाई वाला जो पहले से बॉयल था मैंने वो रखा है, और अब ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो आप भी ऐसा ही करिएगा। अभी ये बॉयल हो गया है, ऑलमोस्ट पूरा गर्म हो गया है। अभी हल्का सा बॉयल आएगा इसमें, तब हम साबूदाना ऐड करेंगे। मीनवाइल हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का जो है वो घोल बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसका घोल बना लेंगे। सो गाइज, हमारा घोल बन के रेडी है। हम इसको ड्राई भी डाल सकते थे मिल्क के अंदर, बट क्या होता है कि ड्राई डालने से ये गुठलियाँ बन जाती है, तो बेटर होता है कि इसको पहले से ही डाइल्यूट करके और उसके बाद यूज़ किया जाए मिल्क पाउडर जब भी डालें आप। सॉरी गाइज, गला बहुत ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना आप। तो दोस्तों, मिल्क जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो सोक साबूदाना था वो ऐड कर देंगे सारा। सो यहाँ पे सारा जो साबूदाना है हमने इसको डाल दिया है, और अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ी देर के लिए बॉयल आने देंगे, क्योंकि ये जो साबूदाना होता है बड़ा स्टिकी स्टिकी होता है। तो अब इसको ज़्यादा ना डालें 1 किलो में, जैसे मैंने बताया आपको 4 से 5 चम्मच खाने वाले आप भिगोएंगे तो वैसे ही वो ज़्यादा हो जाता है। आप ये नहीं कि कटोरी भर के तो भिगो दें 1 किलो के लिए, तो फिर वो वही बात है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल हप्पा सी हो जाएगी वो खीर। तो इसलिए कंसिस्टेंसी प्रॉपर रखने के लिए साबूदाने का ठीक क्वांटिटी में डालना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये ध्यान रखिए। तो अभी इसको बॉयल आने देते हैं और चलाते भी रहेंगे बीच बीच में, और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इसे। सो गाइस, खीर को उबलते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर शुगर को ऐड करेंगे और एक साथ जो है इसको गाढ़ी होने देंगे। शुगर ऐड कर दी हमने, इसको स्टर कर देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल आने देंगे, और जो फिर से शुगर जो है वो डिसॉल्व होगी और कैरामलाइज होगी दूध दूध के साथ, और फिर दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अभी 5 से 10 मिनट बाद हम इसके अंदर जो है और चीज़ें डालेंगे। सो गाइज, मीनवाइल हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट कर लेते हैं, तो इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। वेल गाइज, आजकल लोग बहुत वीडियोस को उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं और कुछ सोच भी बड़ी गंदी रखते हैं। सो अगर उनको लगता है कि मेरी जो वीडियोस हैं या मेरी रेसिपीज़ हैं अगर बिल्कुल शिट हैं या फिर बेहुदा हैं या जो भी है,
मेरी तो हार्डली रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी ना तो मेरी वीडियोस देखें और ना ही मेरे चैनल को विजिट करें, क्योंकि ऐसा करके वो अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि मैं तो जो मेरे को तो जो अपलोड करना है वो मैं करूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। कि मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप हेट कमेंट करो या ना करो, या बुरी सोच रखो या ना रखो। बाकी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो देखते हैं, कुछ एक हैं, मेरी कोई बहुत सारी व्यूज तो आते नहीं है वीडियोस पे, पर हैं कुछ लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कुछ एक 5, 10, 15, 20 कुछ तो हैं जो देखते हैं, और शायद उनके लिए यूज़फुल भी हो। सो, यहाँ पे हमने जो है वो ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए। यहाँ पे मैंने बादाम लिए है, बादाम है और थोड़े से पिस्ता हैं, उसको कट कर लिए हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो कट हो गए हैं और करीब 15 मिनट हो चुके हैं हमारी जो ये खीर है इसको बॉईल होते हुए। तो अभी हम इसके अंदर जो है अपना ये मिल्क पाउडर का जो घोल हमने बनाया है वो डालेंगे और उसके बाद ये बहुत क्रीमी हो जाएगी। तो अभी हम इसको यहाँ पे ये डाल लेते हैं। सो, यहाँ पर हमने सारा मिल्क पाउडर जो है वो हमने डाल दिया है और अब जो है ये इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश और थोड़ा कड़ा हुआ कलर लग रहा है और ये एकदम से थोड़ी सी गाढ़ी भी हुई है। तो अभी हम इसको जो है पकने देंगे और बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा और कलर में भी ये बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जो जो ये साबुदाना है ये भी काफ़ी फूल चुके हैं। अभी इसी स्टेज पे जो है हम लोग इसके अंदर एक तो इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं, इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे इसके अंदर। सो, यहाँ पर थोड़े से केसर के थ्रेड हैं ये भी हम ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बस एक अच्छा सा कलर आ जाता है और अरोमा आ जाता है, वो कलर हमारा मिल्क पाउडर से भी आ जाएगा। अगर केसर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो अभी हम इसको अच्छे से फिर से पकने देंगे करीब 10-15 मिनट और। सो गाइज, आप टेक्सचर देखिए इसका, अभी कितना थिक सा हो गया है बिल्कुल, और साबुदाना भी फूल गया है और अभी ये और थिक होगा और साबुदाना एकदम ठीक कंसिस्टेंसी में है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डलता तो वो एकदम हप्पा हो जाती, वो खीर बहुत अजीब सी लगती है। खीर होती है थोड़ी सी तो लाइट होनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए कि वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो थोड़ी सी, एकदम से गाढ़ी हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है कईयों को अच्छी लगती हो, वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं साबुदाना, और मीठा आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। वैसे 1 किलो खीर में मैंने आपको बताया था 8 चम्मच मीठा डलता है, अगर इसमें मिल्क पाउडर आप ना डालें तो 8 चम्मच आप आराम से खाने वाले चीनी डाल लीजिएगा, और अगर आप मिल्क पाउडर डालें तो रेशियो को उसके अकॉर्डिंग चीनी का घटा दीजिए। सो गाइज, इसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी ऐड कर देंगे, 2-3 ड्रॉप, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू और टेस्ट भी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें, बट ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छा फ्रेगरेंस भी देता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है। देखिए कैसे क्रीमी हो रही है, ये धीरे धीरे क्रीमी हो रही है, अभी ये और गाढ़ी होगी और जितनी हमें गाढ़ी चाहिए सॉरी जितनी गाढ़ी चाहिए उससे थोड़ी सी पतली हम रखेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और फ्रिज में रखने के बाद वैसे ही वो गाढ़ी हो जाती है। तो अभी इसे 5-10 मिनट अच्छे से बॉयल होने देते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइज, गले ख़राब और आवाज़ ख़राब के साथ हमारी साबुदाना खीर बनके बिल्कुल रेडी है, और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और क्रीमी टेक्सचर देखिए, कोने कोने से आपको मलाई हटानी है बिल्कुल, अंदर ही इसके लगा देनी है। और अभी आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बट ऐसा नहीं है, हम इसे निकालेंगे और ठंडा होने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाती है। अब मिलते हैं।
सो गाइज, यहाँ पर हम जो खीर है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माइक लेना चाहिए ताकि आवाज़ प्रॉपर आ सके। तो हम लेते हैं एक माइक ताकि हमारी जो रेसिपीज़ की आवाज़ है वो इन्हेंस हो और अच्छी हो जाए, ताकि आपको क्लैरिटी से आए, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कई बार तो आवाज़ बहुत स्लो होती है फुल करने के बाद भी। तो एडजस्ट कर लीजिए, अभी अकेले ही इसको जो है वो कैमरा भी हैंडल करना होता है और अकेले रेसिपीज़ भी बनानी होती हैं। कोई बात नहीं गाइस, हमारी साबूदाना खीर बनके रेडी है। आप देख सकते हैं क्या यमी लग रही है, और इसका कलर आप देखिए बिल्कुल ऐसा है एकदम क्रीमी रबड़ी जैसा, और ये बनी भी रबड़ी जैसी है। और ये देखिए एक छोटे बाउल में भी मैंने निकाली है भोग लगाने के लिए। और आपको मैं थोड़ा सा इसको दिखाती हूँ कि ये एकदम इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो क्या कंसिस्टेंसी आई है। सो गाइज, आप ज़रूर इसे ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए ज़रूर कि कैसी लगी आपको रेसिपी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। जय माता दी, बाय बाय।